गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं निकल रहा हूँ मार्केट के लिए। मार्केट मतलब यहाँ पे जो लोकल मार्केट है, फिश मार्केट, तो वहाँ पे जाऊँगा। घर पे आज कुछ स्पेशल बनेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 9, हम लोग उठ चुके हैं, उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है सुबह सुबह, और अभी कौस्तुभ गया है बाहर क्योंकि आज हम लोग लंच पे स्पेशल कुछ बनाने वाले हैं, जिसके लिए कुछ इन्ग्रीडियंट्स मिसिंग है जो कौस्तुभ अभी लेने गया है। तो कौस्तुभ भी आ गया है, और मैंने कुछ सुबह कपड़े डाले थे धोने के लिए, कल नहीं धोए थे तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो अभी उसी को निकालूंगी और ड्राई करने तो कौस्तुभ देता है क्योंकि उसकी हाइट का हम लोग सही इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने डॉग्स को बाहर, 4 डॉग्स हैं, स्कूबी और बाकी 3, तो उनको खाना भी दे दिया है। उनको हम रोज़ ऐसे खाना देते हैं, माँ राइस बना देती है, चिकन बना देती है, फिर हम उसको मिक्स करके उनको देते हैं। और अभी हम जाएंगे खाने, बहुत भूख लग गया है। टाइम हो रहा है 1:30, तो हम लोग 1 और 2 के बीच में खा लेते हैं, बहुत पर्टिकुलर है। तो चलिए फिर लंच करने, आज तो मेरा फेवरेट लंच है। अच्छे हैं गाइस। तो टाइम हो रहा है 4, मैंने सोचा आप लोगों से इस टाइम पे थोड़ा चिट चैट कर लेती हूँ। अब मैं भी उठ चुकी हूँ, मैं तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी लंच करके। मीनवाइल कौस्तुभ क्या है तो बाहर, तो वो आने वाला है अराउंड 4:30 to 5 वो आ जाता है। और आज बाहर मौसम काफ़ी अच्छा है, सुबह से मतलब सुबह से एकदम हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और क्लाउडी वेदर है, शायद बारिश होगा। फोरकास्ट में तो है कि कल परसों बारिश हो सकता है। आप लोग को लग रहा होगा ना कि मैं ऐसे अचानक से इतना डार्क शेड का लिपस्टिक क्यों लगाई हुई हूँ, और ये लग भी थोड़ा डार्क लग रहा है वैसे तो, लेकिन मैंने ये कलर ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले, तो वो आज आया है। तो आके मैं टेस्ट मतलब होता है चेक कर रही थी कि कैसा है ये लिपस्टिक, तो मेरे को तो काफ़ी पसंद आया। आप लोग भी कमेंट कर सकते हो कि कैसा लग रहा है। तो मीनवाइल कौस्तुभ जब आ जाएगा तो हम जाएंगे मम्मी के घर, जैसे हम रेगुलर जाते हैं। और तो कल है महाशिवरात्रि, तो हर साल हम महाशिवरात्रि की पूजा तो करते हैं, और पूजा का करने के लिए हमें सामान चाहिए। तो आज शाम को मैं और मम्मी जाएंगे थोड़ा बहुत पूजा का सामान लेने। देखिए बाहर अभी ऐसा है, सुबह से ऐसा ही है वैसे तो। ये मेरा फेवरेट प्लांट है, इसमें काफ़ी सुंदर फूल आता है, आप लोग को शायद दिख रहा होगा बाहर। लग रहा है ना बारिश, मेरे को भी लग रहा है, हो सकता है बारिश वैसे तो। तो चलिए आपसे मिलेंगे मम्मी के घर से कौस्तुभ आने के बाद। तो अभी कौस्तुभ भी आ गया है, हम जा रहे हैं सूटकेस लेके। तो अभी हम मम्मी के पास जा रहे हैं ये सूटकेस लेके, क्योंकि मम्मी जा रही है पंजाब, तो उसके लिए उन्हें सूटकेस चाहिए। तो हम घर आ चुके हैं गाइस, और चाय पी, अभी चाय नहीं पीने से कुछ अच्छा नहीं लगता है। आज हम सोच रहे हैं क्या बनाएं, सोचते रह जाएंगे, देखते हैं कौस्तुभ से पूछते हैं आज क्या बनाने का सोच रहे हैं। पहले दीदी से पूछ लो, दीदी तो अभी बिजी है पंजाब में गॉसिप करने के लिए। मैं अपनी बहन के साथ बातें कर रही हूँ, पंजाब से फोन आया हुआ है, वो ब्लॉग बना रही है ना, मम्मी क्या कर रही है, मैं अपनी बहन के साथ बातें कर रही हूँ। मेरा बेबी शो रहा पूरा दिन की कीता हो पौना हमारा है, देख दी तू गोसी कैसा लगता है लोगों को ब्लॉग। तो अभी मैं जाऊंगी शिवरात्रि का शॉपिंग करने, और कौस्तुभ देखते हैं क्या बनाता है आज। आज तो मैं घर से एक्सपेक्ट करके आया था कि हमको चिकन खाने को मिलेगा। क्या खाना है तुमको? है खावे ना दीदी? हाँ खावो एक। कौस्तुभ खा रहा है पानी पूरी। এটা দুটো জায়গায় 10টা করে
बहुत दिनों से खीर कदम खाने का मन कर रहा था। क्या खाना था? खीर कदम। तो ले लो पाँच। पाँच? तो? ले लेते हैं पाँच। एड़ा पाँचटा लो। पाँचटा। हमारे बस स्टैंड के पास ही है ये मिठाई की दुकान, बहुत बड़ा है। तो गाइस मिठाई लेना तो हो गया, अभी कैश के लिए रुके हैं। कैश दे रही है डॉल। ए तुमने? यस ले लिया। तो हम आ गए हैं इस दुकान में, यहाँ पे सारे पूजा पाठ वाले सामान मिलता है। ये देखो लड़की को, देखो अंदर जगह चोरी कर रही है। ये क्या है? पूजा के साथ सामान के साथ साथ यहाँ पे चीजें भी मिल रहा है। आलू जीरा बनाएंगे। हाँ कल मम्मी आलू जीरा बनाएंगी। ऐसे तो नॉर्मल खाना भी बनेगा, बट मेरे लिए आलू जीरा। अच्छा। अभी कौस्तुभ खा रहा है दो दो मिठाई, मैंने बोला एक दे दो और वो दे नहीं रहा है क्योंकि उसको मजाक ना करें इतना। ये ब्लॉग के लिए झूठ झूठ फोन बंद हो। हाँ अब मैंने उसका चोरी पकड़ लिया, वो आपको बहुत ज्ञान बांटता रहता है। ये बहुत दिनों बाद मिठाई खा रहा हूँ मैं। हाँ और कोलकाता में मिठाई फेमस है गाइस, आप लोग अगर कोलकाता आ रहे हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसीलिए कोलकाता के लोग ज्यादा स्वीट होते हैं या जैसे कि मैं और तुम मेरे साथ रह रहे के बन रहे। मैं क्या उगांडा से हूँ? नहीं वो कोलकाता से है लेकिन ही इज वेरी कड़वा। आई एम द मीठा वन। हम दोनों में गाइस आप सुन रहे हो, ब्लॉग के लिए कुछ नहीं, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। आज जब हम लोग बाहर गए थे थोड़ा शॉपिंग करने, पानी पूरी वाला खड़ा था तो मैंने पानी पूरी खा लिया थोड़ा, कौस्तुभ ने भी खा लिया तो इसलिए मेरे को उतना भूख नहीं लगा है। बस मैं थोड़ा सा सब्जी और एक रोटी खाऊंगी और इसलिए आज मैंने कुछ बनाया भी नहीं क्योंकि इतना भूख नहीं लगा था। तो जल्दी से खा लेते हैं। ईट। हम लोग ब्लॉग देख रहे हैं। हाँ गुड, अपना ही ब्लॉग देखो और सबको बोलो कि सब्सक्राइब करने एंड शेयर करने। आज कौस्तुभ खाएगा दाल एंड सब्जी क्योंकि तुम कितना पानी पूरी खाए हो आज। बस कम से कम 100 तो होगा ही। झूठ बोल रहा है, इतना थोड़ी खाएगा। तो हम जल्दी से खाना खा लेते हैं। तुम दिखाई नहीं दे रहे थे फ्रेम में। अच्छा। I'm very bad with camera angles, you know? चलो हम जा रहे हैं। बाय ब्राउनी। बाय बाय। उठ के बाय बाय किया हमने। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, तो घर आके फ्रेश भी हो लिए, मैंने अपना नाइट टाइम रूटीन भी कर लिया है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय।